व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की जिसने दुनिया को प्रेम सिखाया। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लग रही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब छोटा बच्चा होता है ना, उसको नहीं पता होता है कि वो किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है। यहाँ पर छोटा बच्चा जिद करे अपनी माँ को, भले ही वो माँ मुस्लिम क्यों ना हो, उसको बोले कि मुझे तैयार होना है एज ए क्रिश्चियन। तो ये ऐसी एक्टिविटी भी आप लोगों को हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। तो यहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है कि किस तरीके शानदार तरीके हमारी कंट्री का जो संविधान बनाया गया, कहीं ना कहीं वो आज की डेट में हम लोग को इस तरीके से यूनाइट किए हुए हैं। तो बच्चा भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाकर चला जाता है कि छोड़ो सारे जो भी आप लोग ये रिलीजन कास्ट के बारे में बातें चल रही है, बस मिलकर चीजों को एंजॉय करो। तो यहां से आप लोग सीख सकते हैं किस तरीके से हम लोग को मिलजुल कर अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और किसी भी अपना जो फेस्टिवल है उसको सबको रिलीजन को सब रिलीजन को मिलजुल कर सेलिब्रेट करना चाहिए। ओके, तो आप लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अच्छे से इंजॉय कीजिएगा जन्माष्टमी को और अच्छे से अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर जो आज की डेट में फेस्टिवल जो है वो परिवार के साथ में सेलिब्रेट कर पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, बाहर रहते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ जॉब करते हैं। तो कितने ऐसे सौभाग्यशाली हैं जो अपने परिवार के साथ में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? वो भी आप लोग नीचे अपनी जो थॉट है, जो थिंकिंग है, इससे रिलेटेड जो आप लोग की इमोशंस है वो शेयर कर सकते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है शेयर करना। तो आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। इंपॉर्टेंट क्विज है, इससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने याद किया है कल का लेक्चर, कितने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है। ये क्विज का आंसर आप लोगों को देना है। बात की जा रही यहाँ पर, ये है यहाँ पर सत्येंद्र सिंह लोहिया, दिव्यांग है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के फर्स्ट एशियन स्विमर बन गए। इनके द्वारा एक चैनल है यहाँ पर जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। तो ये अमेरिका का चैनल है जिसको अभी क्रॉस कर किया गया इनके द्वारा। तो ये चैनल का नाम आप लोगों को बताना है। कौन से राज्य के द्वारा अभी यहाँ पर बात की जा रही है रियल टाइम ट्रेकिंग जो बस सिस्टम होता है उसको, तो रियल टाइम ट्रेक करने की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी कहाँ पर कौन सी बस है, आप लोग उसी हिसाब से अपने घर से चल सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो कौन सा राज्य ये स्टार्ट करने जा रहा है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा स्टार्ट ये यहाँ पर अनाउंस किया गया कि फास्ट टैग जो होते हैं, फास्ट टैग क्या होते हैं, जब आप लोग टोल प्लाजा पे अपना टोल टैक्स यहाँ पर पे करते हैं, जहाँ पर भी टोल टैक्स लिया जाता है रोड का, तो वहाँ पर आप लोगों के सामने अगर यहाँ पर गाड़ी पे ये टैग लगा होगा, इस तरीके का स्टिकर लगा होगा, तो रुकने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के अकाउंट से डायरेक्ट पैसा कट जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा, काफ़ी सारा जो खासकर पोल्यूशन इसकी वजह से हो रहा है वो रोका जा सकता है। तो कब से पूरी कंट्री में इसको मैंडेटरी करने वाले हैं, यानी कि हमारी कंट्री में इसको आप लोगों को लेकर ही चलना पड़ेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज यहाँ पर कल्चर एंड टूरिज्म श्री, ये है प्रहलाद सिंह पटेल, इनके द्वारा भी लॉन्च किया गया द डायरी ऑफ मनु गांधी। तो ये किसके द्वारा यहां पर जो गुजराती से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट की गई है, उस पर्सनालिटी का नाम आप लोगों को बताना है, ट्रांसलेट किसके द्वारा की गई है। नेक्स्ट बात की जाए 2017 ईयर ऑफ इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स, ये यूएसए के द्वारा यहां पर रिपोर्ट निकाल के लाते हैं, तो इसमें हमारी कंट्री चौथे नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा जो यूएसए में इमिग्रेंट देखने को मिलते हैं जिनको ग्रीन कार्ड दिया गया। तो चौथी कंट्री हमारी, हमसे ऊपर तीन कंट्री कौन से हैं, इनमें से एक चाइना है, दो कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा अभी हाई लेवल कमिटी चेयर की गई थी और इसने कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चेंज लाना है जो कंपनी पे करती है, उससे रिलेटेड रिपोर्ट जो है निर्मला सीतारमन जी जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर है उनको दिया गया था। सचिन तेंदुलकर जी को जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम है ये किस ईयर में दिया गया, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, अभी आंसर देख लेते हैं इनका, उसके बाद में फिर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर यह कैटालिना जी के यहाँ पर यह पर्टिकुलर एरिया है अमेरिका के अंदर में, तो यहाँ पर सत्येंद्र सिंह लोहिया के द्वारा इसको क्रॉस किया गया जो कि मध्य प्रदेश रहने वाले हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहां पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाली है रूट की, तो एक अच्छी बात है। इसी के साथ में दिसंबर में ये फास्ट टैग हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट होने वाला है कंप्लीट ईयर, जो कि एक तरीके से मैंडेटरी रहेगा, तो ये भी एक पॉजिटिव बात आप लोग बोल सकते हैं। द डायरी ऑफ मनु गांधी यहां पर ये है त्रिदीप सरूद, ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं जिनके द्वारा गुजराती से ट्रांसलेट की गई है। ये यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री से ऊपर है मेक्सिको, चाइना और क्यूबा जो सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड यहाँ पर ले रहे हैं यूएसए के अंदर में। नेक्स्ट बात की जा रही है कमेटी के बारे में, नाम है इंद्रजीत श्रीनिवास, तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के अंडर में, जो कि निर्मला सीतारमन जी के अंडर में है। नेक्स्ट यहाँ पर आईसीसी हॉल ऑफ फेम यहाँ पर 2009 में अभी रिसेंटली सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है, तो ये याद रखिएगा जब से आप लोग गेम से रिटायर होते हैं उसके 5 साल बाद का कूलिंग पीरियड रहता है और तब जाकर यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है, वरना अब तक कब का यहाँ पर दिया जा चुका होता, इसलिए यहाँ पर ये रुके हुए थे, ठीक है।
तो ये था क्विज, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर बात करते हैं इंपोर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में सोलर एनर्जी के बारे में। तो यहां पर सरल करके एक इंडेक्स लॉन्च किया गया जिसको बोलते हैं, ये याद रखिएगा आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, सरल की फुल फॉर्म पूछ लेंगे आप लोगों से। तो ये कहते हैं स्टेट रूफ टॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से जो छतों के ऊपर आप लोग सोलर पैनल लगाते हैं, किस तरीके से उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव किया जा सकता है ताकि और ज्यादा लोग वहां पर उसको यूज करने स्टार्ट करें, तो उसका इंडेक्स है। इस इंडेक्स में जो ये लॉन्च किया गया है, पहले तो ये याद रखिए, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड द न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्किल डेवलपमेंट। कौन है यहां पर, ये है यहां पर आर के सिंह। तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया सरल इंडेक्स, और इसमें कर्नाटका के द्वारा टॉप किया गया इस इंडेक्स में। बाकी तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। तो ऊपर के चार राज्य कौन से हैं, कर्नाटका हो गया पहले नंबर पर, तेलंगाना दूसरे पर, गुजरात तीसरे पर और आंध्र प्रदेश चौथे पर। तो ये चार नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इंडेक्स किस मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार किया जाता है ये भी याद रखिएगा, और सरल की फुल फॉर्म क्या है ये भी आप लोगों को बता होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री का जो टारगेट है 2022 तक हम लोग को 175 गीगावाट यहां पर डेवलप करना है। तो ये काफी अच्छा टारगेट है, और खासकर दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी भी कम होगी, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा मिशन टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम एट एलिमेंट्री लेवल। तो यहां पर जो है इसका NISTHA निष्ठा का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड द टीचर्स होलिस्टिक, ठीक है। तो ये एडवांसमेंट, तो इसकी बात की जा रही है यहां पर, बेसिक फंडा क्या है यहां पर, कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जो स्कूल में जो टीचिंग है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, और किस तरीके से यहां पर अपनी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये न्यू दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। वेबसाइट, ट्रेनिंग मॉड्यूल जो यहां पर, इसी के साथ में प्रीमियम बुकलेट, मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वे में इसको आगे बढ़ाने के मूड में है, ताकि हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहे। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छे टीचर यहां पर अगर एजुकेशन सिस्टम में आते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से नींव ऐसी कंट्री की रखी जाएगी कि आने वाले टाइम में एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हमारी कंट्री को लेकर काफी आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत सारे यहां से आप लोगों को अच्छे अच्छे एरिया में, खासकर साइंटिस्ट, इंजीनियर, अपने एरिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा, दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो अच्छी बात बोल सकते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने हिंदू न्यूज़पेपर में भी और यहां पर नैनो मैगजीन में भी INF ट्रीटी कवर की थी। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। इस ट्रीटी में से अभी रिसेंटली जो USA और जो रशिया है दोनों बाहर निकले हैं, और उसके बाहर निकलते ही कुछ टाइम बाद ही USA के द्वारा, USA स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा यहां पर मीडियम रेंज ग्राउंड लॉन्च, यहां पर अभी मिसाइल जो है वो यहां पर टेस्ट की है। यानी कि एक तरीके से कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में ये बोला गया था कि आप लोग ये मिसाइल यहां पर टेस्ट नहीं करेंगे, ताकि यहां पर एक जत्था जो है मिसाइल का उसको कम किया जा सके, पर लेकिन फिर से ये उसी रेस में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या कंडीशन यहां पर बनती है, रसिया भी हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें और आगे बढ़ती नजर आए, तो इसके बारे में आइडिया रखिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो बात निकल के आ रही है यहां पर, यह ओप ब्लू फ्रीडम के बारे में। तो दिल्ली लैग ऑफ ओप ब्लू फ्रीडम, तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमारी कंट्री में किरण रिजिजू, जो कि हमारे किरण जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं और फॉर्मर इंडियन फुटबॉल जो है कैप्टन, जिनका नाम था बाईचुंग भूटिया, काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी। तो बात ये की जा रही है इनके द्वारा भी यहां पर लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली आप लोग यहां पर इसको देखिए पिक्चर में आप लोग समझ पाएंगे। ये है यहाँ पर एक क्यूबा डाइविंग प्रोग्राम, यानी कि जिस तरीके से पानी के अंदर यहाँ पर इस तरीके से डाइविंग की जाती है, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है। इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, आप लोगों को पता है दोनों फॉरेनर है, और यहाँ पर इनके हाथ देखे आप लोग, इन्होंने नेल पॉलिश के लगा रखी है। इनके इंडियन जो कल्चर है आज के डेट में दुनिया के सर पर चढ़कर बोल रही है, पर लेकिन हम जो लोग हैं अपनी कल्चर से दूर होते हुए जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं दिखती हैं आज के डेट में जो फॉरनर, जो साड़ी पहनती हैं, जो सूट सलवार पहनती हैं, जबकि उनकी कल्चर में नहीं है। यानी कि हम लोग कम से कम अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम लोग को अपना कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए, चाहे हम लोग कहीं भी हो। लोकल एरिया से अगर आप लोग निकल कर आते हैं ना, तो अपनी लैंग्वेज बोलते हुए कभी मत शर्माइए कि आसपास के लोग क्या बोलेंगे। तो अपनी लैंग्वेज पर आप लोग को एक तरीके से आप लोग को गर्व होना चाहिए, उसको ये नहीं कि छुपाना है लोग क्या बोलेंगे, यार ये शब्द क्या यूज़ कर दिया, गलत तरीका ये, ठीक है, तो ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये लॉन्च किया गया नेशनल वाइड एडेप्टिव, ये है स्क्यूबा डाइविंग प्रोग्राम, तो इसके बारे में याद रखते हैं किसके द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है ई टूरिस्ट वीजा के बारे में। ई टूरिस्ट वीजा इनके ऑनलाइन वीजा यहां पर मिल जाएगा, ताकि आसानी से कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो 160 कंट्री के लिए यहां पर ये अलाउ किया जा रहा है। हमारी कंट्री में यहां पर बेसिक फंडा ये कि कैसे टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यहां पर मिलकर काम कर रही है, ताकि फ्लेक्सिबल प्रोग्राम बनाया जा सके और सारी जो टूरिस्ट एक्टिविटी हमारी कंट्री में और अच्छे से यहां पर काम करे, तो इसके ऊपर ये फोकस दिया जा रहा है। आगे चलते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है माउंटेनियरिंग वीजा के बारे में।
में, यानी कि देखिए हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, अगर कोई वहां पर जाकर घूमना चाहता है तो उसके लिए अलग से वीजा यहां पर दिया जाएगा। तो इसके चलते यहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम वाले एरिया में अलग से आप लोग यहां पर ट्रेकिंग देखने को मिलेंगी, जो कि काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, एक प्रमोशन है टूरिस्ट एक्टिविटी को। लगभग 137 जो पीक है हमारी कंट्री में उनको अलाउ किया जा रहा है यहां पर इस पर्टिकुलर जो एमएक्स यानी कि माउंटेनिंग वीजा के लिए। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहां पर किस पर्टिकुलर एरिया में फोकस किया जा रहा है। आगे चलते हैं, यहां पर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा बोला गया, जो कि राजनाथ सिंह जी के अंडर में है, कि वो आने वाले टाइम में आर्मी हेडक्वार्टर को रीऑर्गेनाइज करा रहे हैं। जब से डिफेंस मिनिस्टर बने हैं राजनाथ सिंह जी काफी एक्टिव हैं और काफी सारे स्टेप वो उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अच्छा एक बात आप लोग बताएं, यहां पर क्वेश्चन है, अगर बात करें नेवी की, तो नेवी बेसिकली पानी से रिलेटेड होती है, तो नेवी के जो तीन बेसिक जो है, जो तीन बेसिक आप लोग कमांड देखने को मिलेगी वो साउथ इंडिया में देखने को मिलेगी। उन तीनों कमांड के नाम आप लोगों को बताना है और वो कमांड किस किस राज्य में है और सिटी का नाम लिखेगा वो आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कई सारे क्वेश्चन अगर आप लोग जैसे यूपीएससी के द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो उसमें डायरेक्ट मैच करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, और खासकर जब सिक्योरिटी की बात आती है तो वैसे भी आप लोग इनका आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं, क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, रोशनी के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए, आप भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए, काफी अच्छा लगता है। और देखिए जिस दिन बोल देता हूं ना कि मैंने कहा आंसर कम दे रहे हो, उस दिन बड़ा जोश आ जाता है, उस दिन आंसर देने लग जाते हैं, यानी कि आलस मत कीजिए यार, ये आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है यहाँ पर। अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी पढ़ाने में और मन लगेगा, और आप लोगों का भी पढ़ने मन लगेगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी एग्जाम तक, ठीक है। तो आंसर जरूर दीजिए। बात की जा रही है यहाँ पर रेलवे का जो बजट था वो सेपरेट किया गया था 1924 में, और ये ओकवर्थ कमेटी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ओकवर्थ कमेटी थी यहाँ पर, जिनका नाम था इकोनॉमिस्ट थे ब्रिटिश विलियम ओकवर्थ, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। रीजन यहाँ पर यह था, अंग्रेजों के टाइम पर जो रेलवे का बजट हुआ करता था वो हमारे नॉर्मल बजट से ज्यादा हुआ करता था, यानी कि जो नॉर्मल बजट है आज के डेट में उससे ज्यादा था, क्योंकि वो बेसिकली हमारे यहाँ से रो मटेरियल निकाल के ले जाते थे। हमारी कंट्री का जो मान लीजिए ये एरिया हो गया, तो उनको ये था कि अंदर से रो मटेरियल कोस्टल एरिया तक कैसे लेकर आना है और फिर उसको जहाज में भरकर अपनी कंट्री में ले जाना है, फिर वहां से फिनिश प्रोडक्ट उनको बनाना है और फिर लाकर हमारी कंट्री में बेचना है। तो ये बेसिक फंडा था। तो यहां का कोस्टल एरिया तक लाने के लिए पूरा रेलवे नेटवर्क उनके द्वारा डेवलप किया गया था, तो इसलिए यहां पर बोला गया कि इसके लिए अलग से बजट लेकर आओ, अलग से फोकस किया जाए। तो ये 1920-21 की बात की जा रही है, यहां पर जो रिकमेंडेशन दी गई थी फिर 1924 में इंप्लीमेंट कर दी गई। 2016 में यहां पर विवेक डिब्रॉय कमेटी के द्वारा बोला गया कि ये बजट को मर्ज कर दो, क्योंकि उस टाइम पर अलग बात थी, आज के डेट में हम लोग इतना बजट नहीं है हमारा रेलवे का, और रेलवे कोई आज के डेट में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक अलग ही वो फंडा है, यहां पर एक छोटा सा पार्ट है आज के डेट में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उस तरीके से आप लोग इसको लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो यह विवेक डिब्रॉय कमेटी, तो इसका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न जो दिया गया था, ये हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो प्रणब मुखर्जी हैं, 2014 में उनके द्वारा ये भारत रत्न दिया गया था। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग और बताइए, हमारी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, यहां पर हमारी कंट्री के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भारत रत्न मिल चुका है यहां पर प्रणब मुखर्जी जी को भी, इनके साथ में और दो पर्सनैलिटी को मिला है, इन तीनों पर्सनैलिटी को किस ईयर में मिला है, तीनों पर्सनैलिटी का नाम और इनका ईयर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2019 में दिया गया, और 5 साल का यहां पर कूलिंग पीरियड रहता है जिसके बाद में ही दिया जाता है। तो यहां पर वेट किया गया सचिन तेंदुलकर जी के लिए और अब ये अवार्ड इनको दिया गया है। तो अच्छे आंसर दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है नासा से, हमारी कंट्री की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसी तरीके से नासा है यूएसए की स्पेस एजेंसी, तो ये अपना मार्स के लिए यहां पर प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, और कहां से करने जा रहे हैं यहां पर, ये है लंबारून लावा, ये आइलैंड है, ये यहां पर जो आइसलैंड है, आइसलैंड के ऊपर यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको आप लोग बोल रहे हैं लंबारून लावा, ठीक है। तो ये 2020 के लिए यहां पर ये अपना मिशन यहां पर तैयार कर रहे हैं नासा के द्वारा। तो आइसलैंड ये है पर्टिकुलर एरिया जिसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, मैप में एक बार आप लोग इसको निहार लीजिए ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें। यहां से अगर आप लोग कंपेयर करेंगे हमारा प्यारा भारत, तो यहां पर आप लोगों को पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसकी बात यहां पर बेसिकली की जा रही है। तो यहां से ये अपना मिशन लॉन्च करने वाले हैं, और इसमें जो पर्टिकुलर यहां पर है यह लंबारून लावा, तो आइसलैंड के अंदर ये पर्टिकुलर एरिया है, आप लोग यहां पर देखते हैं ये हो गया यहां पर। तो ये मार्स के लिए अपना मिशन यहां पर लॉन्च करने वाले हैं, इसका जो बेसिक एरिया है वो उसके लिए सुटेबल माना जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो मार्स के बारे में भी यहां पर जो टीम है वो भेज दी गई यहां पर, किस तरीके से फॉलो करना है। एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा क्यूरियोसिटी जो रोवर इनके द्वारा जो भेजा गया था उससे भी पूछा गया था यहां पर। तो जो भी मिशन रहते हैं तो ये आप लोग याद रखा कीजिए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में बन जाते हैं। बाकी अगर बात की जाए यहां पर, जैसे बोला जा रहा है ब्लैक बसाल्ट सैंड, विंड स्क्रिप्ट ड्यून, और जहां पर जो कैगी पीक्स है, यानी कि जो यहां पर एक तरीके से एरिया है वो यहां पर वो सुटेबल माना जा रहा है। आइसलैंड का सेकंड बिगेस्ट ग्लेशियर है यहां पर, जो कि आप लोगों को ये भी अभी रिसेंटली
डेफिनेटली न्यूज में था लैंग जो कुल, जो कि रिसेंटली अभी सूख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये भी आप लोगों ने जाना था इसके बारे में। यहाँ पर जो बर्फ है वो खत्म हो रही है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लास्ट जो अभी मंथ है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर भेजा गया प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए ताकि मिशन को लॉन्च किया जा सके, ठीक है। तो ये मार्स के लिए मिशन है, ओके। अच्छा, मार्स जो हो गया, आप लोग जो मंगल ग्रह जिसको बोलते हैं, उसके इधर वाला ग्रह और इधर वाला ग्रह कौन सा है, दोनों के नाम तो बताइए जरा। ये सारे के सारे ग्रह का नाम आप लोगों को बता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये बात की जा रही है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 के बारे में। सबसे पहले तो किसके द्वारा ये लॉन्च की जा रही है रैंकिंग, यहां पर किसके द्वारा यहां पर ये सर्वेक्षण लॉन्च किया जा रहा है, तो जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, तो इनके द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया। तो यहां पर बेसिक फंडा क्या है, ये एक तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा 14 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक। तो इसके तहत यहां पर देखा जाएगा 17,000 के करीब लगभग गांव है, 17,450, 698 डिस्ट्रिक्ट है, और इसी के साथ में अलग अलग पब्लिक प्लेसेस जैसे स्कूल हो गया, आंगनबाड़ी सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर, ये है 87,250, तो इन सबको देखा जाएगा कहां पर कितना कितना साफ सफाई है, और ये सर्वे कंडक्ट यहां पर कराया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी की बात करते हैं, यानी कि खुले में सोच नहीं होना चाहिए, वो फोकस करके चला जाता है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, जो कि हमारी कंट्री में ये 2014 में लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। तो ये हमारी कंट्री में ये भी काफी बड़ी बात है। और अब यहां पर प्लास्टिक और एक तरीके से जो वाटर लॉगिंग वगैरह है गांव में, उसको भी यहां पर साफ रखने की कोशिश की जा रही है, यानी कि वो भी यहां पर काउंट किया जाएगा। बाकी यहां पर जो फोकस किया जा रहा है ओपन डेफिकेशन फ्री के साथ साथ में, देखिए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है ना, उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में और प्लास्टिक वेस्ट में, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको भी इस तरीके से हैंडल करने की कोशिश की जानी है, ताकि जो लिक्विड मैनेजमेंट है उसको किया जा सके ढंग से, ग्रे वाटर यहां पर किचन का जो वेस्ट है उसको हैंडल किया जा सके, और जो भी फसल यहां पर वेस्ट होता है उसको हैंडल किया जा सके। यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक जो बोला गया था, टारगेट रखा गया था कि हम लोग को अपना जो कंट्री है ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, तो ये उसका पूरा अच्छा टारगेट है। और देखिए कहीं ना कहीं मोदी जी की तारीफ करनी बनती है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, इस तरीके से जो चीजें लेकर चली जा रही है स्वच्छ भारत मिशन, यहां पर नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा हमारी कंट्री को, खासकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। तो ये हैं कुछ बातें जो आप लोग याद रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, ये बात की जा रही है गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। तो बहादुरी के लिए जो अवार्ड दिए जाते हैं, 132 अवार्ड यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जा रही है हमारे जो पर्सनल है, आर्म फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए, ठीक है। तो यहां पर अप्रूव किए गए हैं अलग अलग मेडल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, तो एक तारक्षक मेडल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तटरक्षक जो मेडल आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर किस किस में क्या क्या इंक्लूड है, 2 कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है, ये याद नहीं रखने आप लोग, 1, 2, 3, 4 ये नहीं याद रखने, ठीक है। याद रखिएगा यहां पर कीर्ति चक्र होता है, वीर चक्र होता है, शौर्य चक्र होता है, तो ये पूछे जा सकते हैं। सेला जो सेना मेडल होता है गैलेंट्री, ठीक है, सेना मेडल जो यहां पर गैलेंट्री जो यहां पर ये है, ये आप लोगों से अलग अलग बन सकता है। इसी के साथ में यहां पर नौ सेना मेडल होता है, इसी के साथ में यहां पर वायु सेना मेडल होता है, ठीक है, इसी के साथ में यहां पर युद्ध सेना मेडल होता है, परमवीर चक्र और महावीर चक्र, और इसी के साथ में अगर आप लोगों से पूछा जाए यहां पर यह है वीर चक्र। ये हमारी कंट्री में 26 जनवरी 1950 में यहां पर ये पिक्चर में आए थे, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। और ये परमवीर चक्र जो होता है सबसे हाईएस्ट अवार्ड जाता है, जो खासकर इस पर्टिकुलर एरिया में, जिस तरीके से जो भारत रत्न आप लोग बोल सकते हैं सिविलियन फील्ड में, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए और भी कई सारे, जैसे अशोक चक्र यहां पर क्लास सेकंड, अशोक चक्र क्लास थर्ड, ये 1952 में यहां पर सामने निकल कर आए, ठीक है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये 1957 में यहां पर सामने निकल कर आए। ये दो बार यहां पर कंट्री में हमारे अवार्ड जाते हैं, एक तो रिपब्लिक डे पर और एक इंडिपेंडेंट डे पर, ठीक है। बाकी जो ऑर्डर प्रेसिडेंस आप लोगों से पूछा जाए, सबसे ऊपर कौन आता है, परमवीर चक्र आता है, फिर अशोक चक्र आता है, फिर महावीर चक्र आता है, फिर कीर्ति चक्र आता है, फिर वीर चक्र आता है, और फिर शौर्य चक्र आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इनको ऊपर से नीचे तक घटते हुए या फिर बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाओ, तो ये ऑर्डर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा एक स्टडी की गई है, उसमें बोला गया है जो रेजिड्यू होता है जो जलाया जाता है खेतों में, जो क्रॉप का यानी कि जो बचा हुआ अवशेष होता है यहां पर खेतों में, जो खास खास फूस पत्तियां जो होती हैं उनको जलाया जाता था, तो उसमें काफी रिडक्शन आ गया है। एग्रीकल्चर जो मैकेनाइजेशन किया जा रहा है यहां पर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू का, ये पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में और खासकर नेशनल कैपिटल रीजन में इससे काफी कमी देखने को मिली है 2018-19 से लेकर 2019-20 तक। तो फंडा क्या रहा है यहां पर, देखिए हुआ क्या था, मान लीजिए खेतों में जैसे गन्ने वगैरह छीला जाता है, तो उससे जो पत्तियां उतरती है उसको जला देते थे नेक्स्ट फसल तैयार करने के लिए। अब मैकेनाइजेशन किया जा रहा है, यानी कि मशीन ला रहे हैं उसको, जो कई सारी मशीन जैसे हैप्पी सीडर टाइप की मशीन हो गई, वो क्या कर रहे हैं, वो यहां पर इसको कट के छोटे छोटे पीस में इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, तो खेतों में उसका खाद बन जा रहा है, या फिर उसको ले जा रहे हैं, उसको बेचा जा रहा है, उससे अलग तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। तो इसके चलते यहां पर ये अलग अलग तरीके की मशीन अवेलेबल है, मशीन बहुत महंगी थी तो इसलिए उसको हायरिंग की जा रही है मशीन की, यानी कि एक तरीके से किराए पर उसको लाया जा रहा है। इसी के चलते यहां पर इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी के थ्रू भी अवेयरनेस फैलाई जा रही है, ताकि लोग जो है इनको यूज करना स्टार्ट करें। तो इसी के चलते यहां पर ये बोला गया है
कि 60 कृषि वैज्ञानिक केंद्र आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 22 पंजाब के अंदर, 14 हरियाणा के अंदर, 1 दिल्ली के अंदर और यूपी के अंदर 23। तो ये इसके थ्रू यहां पर इंप्लीमेंट किया गया 15 से 41% 2018 की बात करें अगर आप लोग 17-16 के कंपेयर में, यहां पर अभी ये घटते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। 450 विलेज पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, इसी के साथ में 0 स्टेबल बर्निंग, यानी कि यहां पर कोई भी घास फूस नहीं जला जा रहा है, ये डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो ये सिंगल क्रॉप बर्निंग के कोई इंसिडेंट सामने नहीं किए गए, तो ये काफी अच्छी स्कीम आप लोग बोल सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इसे देखिए, एक तो मैकेनाइजेशन किया जा रहा है वो भी फायदा है, और अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है ये फायदा है, आसपास वाले रीजन में जो पोल्यूशन का शिकार रहती थी चीजें तो वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा, तो ये भी एक एग्रीकल्चर में आप लोग फायदा बोल सकते हैं। तो खेतों में जो घास फूस जलाया जाता था ये काफी कमी आप लोग यहां पर देख रहे हैं। यहां पर पंजाब के अंदर 11% का ड्रॉप हो गया, हरियाणा के अंदर 19% का, और बहुत मिलाकर टुगेदर लगभग 14% का ड्रॉप यहां पर देखने को मिल रहा है। तो एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कम से कम, अब आने वाले टाइम में और अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है बोन इम्प्लांट्स फ्रॉम एग सेल। देखिए जो अंडे का जो छिलका होता है उसकी बात यहां पर की जा रही है, इसको यहां पर बोन इम्प्लांट में यूज किया जाएगा, यानी कि हमारी कंट्री में रिसर्च की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, और दिल्ली का जो यहां पर खासकर बात करें यहां पर भीमराव, यहां पर ये हैदराबाद हो गया, इसी के साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये जालंधर, तो इनके द्वारा यहां पर ये स्टडी की गई है, और इसमें जो बोन होती है, इनके जो हड्डियां होती है उनको इम्प्लांट किया जाएगा जो एग सेल के मटेरियल से यहां पर बनाई जाएगी। तो फायदा क्या रहेगा, फायदा ये रहेगा आज इसको आने वाले टाइम में और अच्छे से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक ऐसा मटेरियल मिल गया जो कि अच्छे से यहां पर इंप्लीमेंट किया जा सकते हैं, जो कि यहां पर एग सेल होती है वो लार्जली जो मिनरल्स होते हैं 95% अलोंग विद स्मॉल अमाउंट यहां पर प्रोटीन और वाटर आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कैल्शियम का मटेरियल कंपोनेंट माना जाता है, और हड्डी आप लोगों को पता है कैल्शियम की बनी होती है, तो उसी के चलते यहां पर इसको यूज करने की बात की जा रही है। अब तक और भी कई सारी चीजें आर्टिफिशियल यूज की जाती थी, कैल्शियम प्लास्टो पेरिस, मोर रिसेंटली जो यहां पर फास्फेट कंपोनेंट होते हैं वो भी यहां पर यूज किए जाते थे, पर लेकिन अब यह मटेरियल यूज किया जाएगा जो कि काफी आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है। तो इसके चलते जो सिंगल एक्सेल है यहां पर वो यूज करके यहां पर यह मटेरियल बनाया जाएगा। तो देखते हैं कैसे यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है, जो यूज किया जाएगा यहां पर प्रोसीजर उसको बॉल मेलिंग के नाम से पुकारा जा रहा है, यानी कि जो मेथड होगा यहां पर यह एक्सेल को यहां पर बेसिकली रिप्लेस करने के लिए, तो कमर्शियली अवेलेबल यहां पर रहेगा, तो देखते हैं कितना फायदा इससे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एग सेल को यहां पर यूज किया जा रहा है, तो आने वाले टाइम में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आइए अब बात करते हैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, ये यहां पर है कैलेडियो नेशनल पार्क। कैलेडियो नेशनल पार्क यहां पर, या फिर कैलेडियो घाना नेशनल पार्क के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, या फिर इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये भी नाम अगर आप लोगों के सामने निकल कर आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, सब राजस्थान में है। तो ये यहां पर खासकर चिड़िया के लिए काफी फेमस है, डार्टर, ये ऐसी डिफरेंट तरीके का पक्षी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, डिक्लेयर किया गया प्रोटेक्टेड सेंचुरी 1971 में, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहां पर ये आगे डिक्लेयर किया गया। कैलेडियो घाना नेशनल पार्क जो यहां पर, ये मैन मैनेज वेटलैंड भी आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देख लेते हैं कैसे क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले तो आप लोगों को फिर से ये जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, फिर हम लोगों ने यहां पर क्विज देखा, इसी के साथ में यहां पर जो बात की गई ये बात की गई यहां पर सरल प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें यहां पर कर्नाटका के द्वारा टॉप किया गया है, तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने निष्ठा के बारे में जाना, किसके द्वारा क्या क्या बातें हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, अच्छा इंटरमीडिएट जो रेंज, यहां पर इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी यहां पर ये कब साइन की गई थी इनके द्वारा, ये आप लोग बताइए यहां पर जो ये साइन की गई थी यहां पर, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है स्क्यूबा डाइविंग के बारे में जो हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट यहां पर ये बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में ई टूरिस्ट वीजा कैसे देना है, इसी के साथ में जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है यहां पर, ये हमारी कंट्री में माउंटेनिंग वीजा की बात की जा रही है, और नेक्स्ट यहां पर आर्मी को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ये थे क्वेश्चन, काफी अच्छे से आंसर दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए। नेक्स्ट यहां पर नासा के प्रोजेक्ट के बारे में बात की, इसी के साथ में यहां पर जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो ग्रामीण, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा मेडल क्या क्या है, कौन कौन से कहां कहां पर कैसे दिए जा रहे हैं वो समझा। नेक्स्ट यहां पर जो रेजिड्यूअल बर्निंग की जाती है उसको रोकने की यहां पर बात की गई। इसके अलावा यहां पर बोन को इंप्लीमेंट किया जाएगा एक्सेल से, वो हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों के सामने कैलेडियो नेशनल पार्क। आइए अब क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं, ये है आज का क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। जो बात की जा रही है यहां पर, ये जो अभी हमारी कंट्री में जो सरल रैंकिंग देखने को मिली है, इसमें कौन से राज्य के द्वारा टॉप किया गया है। निष्ठा यहां पर इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहां पर जो ट्रीटी है, यहां पर इस ट्रीटी का नाम आप लोगों को बताना है, जो कि यूएसए के द्वारा बाहर निकलते हैं यहां पर, जो अभी टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट यहां पर कौन सी कंट्री के द्वारा यहां पर आइसलैंड को यहां पर यूज किया जाना है, नासा यहां पर किसके लिए, मार्स के प्रोजेक्ट के लिए 2020 में। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये कब हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूट किए गए थे, ये आप लोगों को बताना है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ हैदराबाद के साथ में किसके द्वारा मिलकर यहां पर ये डेवलप किया गया बोन इम्प्लांट मटेरियल बनाने की बात की जा रही है, और किस मटेरियल से इसको बनाया जाएगा। कैलेडियो नेशनल पार्क या फिर घाना, ये
एसआरई भरतसुर बर्ड सेंचुरी ये कहां पर है ये आप लोगों को बताना है। तो ये था आज का डिस्कशन, मिलता हूं मॉर्निंग में एग्जैक्ट 4 AM, तो उसको आप लोग क्वेश्चन की वीडियो को अच्छे से एंजॉय करते रहिए। और लेक्चर अगर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है, पर लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि आने वाले टाइम में उसको इंप्रूव किया जा सके। बाकी इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों से कीजिए, पॉलिथिन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है, और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, आपका भी भला होगा और सामने वाले का भी भला होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें, तब तक के लिए जय हिंद।